समाज के 21 मेघावी छात्र छात्राओं को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की तरफ से प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस विनीत सिंह ने कहा, सम्मान से बच्चों का बढ़ता है मनोबल। जिला महिला अस्पताल में मरीजों को दी जाती है निःशुल्क दवा, केवल प्राइवेट रूम का लगता है कुछ चार्ज। जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने दी जानकारी। चित्रगुप्त मंदिर सभा में आयोजित की गई बैठक, निर्विरोध चुने गए नवनिर्वाचित पदाधिकारी आलोक रंजन वर्मा अध्यक्ष सहित चुने गए 125 सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांगनी चाहिए माफी, जताना चाहिए आभार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल महिला मंडल द्वारा लगाया गया शराबड़ी मेला, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने फीता काट कर किया मेले का उद्घाटन। कहा, अग्रवाल महिला मंडल सामाजिक कार्य में निभाती है अग्रणी भूमिका। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता, जगरवी एंटरप्राइजेस, 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवी इंटरप्राइजेज, 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की तरफ से समाज के 21 मेघावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला महामंत्री राधेश्याम चंद ने बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि ट्रस्ट की तरफ से अपने समाज के 21 मेघावी बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस विनीत सिंह थे, जिनके द्वारा मेघावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम हर साल होता है, क्योंकि शिक्षा से ही देश के युवा आगे बढ़ते हैं, इसलिए सभी छात्र आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अमरकांत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कैमरा
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय छत्री महासभा के जिला महामंत्री राधेश्याम चंद, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, अखिल भारतीय छत्री महासभा एवं प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से वर्षों से यह परंपरा आ रही है कि अपने समाज के 21 मेधावी हाई स्कूल एवं इंटर के छात्रों को हम पुरस्कृत करते हैं समाज के द्वारा। आज उसी कार्यक्रम के तहत ये समारोह का आयोजन है जिसके अंतर्गत 21 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। हर साल होता है? नहीं, हर साल होता है, हर साल बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है और उसमें उन सबों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दी जाती हैं कि बच्चे और आगे बढ़ें और शिक्षा से ही सब कुछ होना है। शिक्षा नहीं तो छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? छात्रों के लिए हम कहना चाहेंगे जिस तरह से इन बच्चों के माध्यम से और सभी बच्चों के लिए भी छात्रों के छात्राओं के लिए हम कहना चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें और अपने ही समाज के नहीं सभी समाज के बच्चे आगे बढ़ें और उसमें अपनी ख्याति से जो हमारे बच्चे ही हमारे कर्णधार हैं, भविष्य हैं हमारे समाज के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश प्रदेश सब आगे बढ़ेगा और हमारा देश प्रदेश खुशहाल रहेगा। निश्चित तौर पर ये हम चाहेंगे। अब हमारी तरफ से, हमारे पूरे समाज की तरफ से, प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय छत्री महासभा की तरफ से ये शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। महाराणा प्रताप फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आज मेधावी बच्चों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऐसे बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल इंटरमीडिएट में मेरिट में या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक अंक अर्जित किए या कहीं अच्छी सफलता प्राप्त की है उनको सम्मानित किया गया है और ये एक तरीके से इन सभी बच्चों के लिए उनको मोटिवेशन का काम करेगा और उनके लिए उदाहरण होगा कि वो और अच्छा कार्य करें और भविष्य में अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। जिला महिला अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाती है, जिसके संबंध में जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने बताया कि जिला महिला अस्पताल में परसों संबंधित सभी सेवा फ्री है। यदि आप प्राइवेट रूम लेंगे तो उसका कुछ चार्ज लगता है। इसके अलावा अस्पताल में सभी दवा फ्री है, सभी मरीजों को एक हफ्ते की दवा दी जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक जय कुमार ने कहा, जो प्रसव संबंधी सेवा है वो सब फ्री है। अगर आप प्राइवेट रूम लेंगे तब भले आपको उसके कुछ बहुत ही लघु चार्जेज हैं जो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, सर महिला जिला अस्पताल की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं में दवा की क्या उपलब्धता है?
हम लोगों का एक इसेंशियल ड्रग लिस्ट होता है, तो इसेंशियल ड्रग लिस्ट में जितनी दवाएं महिला अस्पताल में होनी चाहिए सब की सब मेरे पास उपलब्ध है, सारी सारी फ्री हैं। 5-5 दिनों की या 15 दिनों की या 1 महीना, जिसको जैसा आदेश है वो दिया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। चित्रगुप्त मंदिर सभा द्वारा एक बैठक मंदिर सभा में आयोजित हुई, जिसमें मंदिर सभा के 2023-24 के प्रबंध कार्यकारिणी में नव निर्वाचित पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। इसमें निर्विरोध अध्यक्ष आलोक रंजन वर्मा, उपाध्यक्ष में सतीश कुमार वर्मा, चंद प्रकाश श्रीवास्तव, रणधीर कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, मंत्री शुभेंदु सिंह श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री में आशीष रंजन वर्मा, अमरीश श्रीवास्तव, राजेश कुमार श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, राजन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष रत्नेश श्रीवास्तव सहित 125 सदस्य चुने गए। इस अवसर पर पूर्व पदाधिकारियों द्वारा चुने गए नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, अनूप कुमार श्रीवास्तव, GD श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, कमलकांत श्रीवास्तव, राधेश्याम श्रीवास्तव के अलावा सुनील श्रीवास्तव, राजेश चंद्रा, शशि श्रीवास्तव, सुमन श्रीवास्तव, वंदना श्रीवास्तव, वीना गौड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक रंजन वर्मा ने कहा, सबसे पहले मैं चित्रगुप्त भगवान का नमन करता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि मंदिर के प्रति जो भी मेरी आस्था होगी उसको मैं सहृदय स्वीकार करूंगा और मंदिर पर पुनित कार्य समय समय पर करता रहूंगा। वहाँ पे 12 पदों पर चुनाव, अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर चुनाव संपन्न हुआ और कार्यकारिणी के हमारे सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। सभी निर्विरोध निर्वाचित हो गए, ये बड़े हर्ष की बात है। मैं अपने एल्डर कमेटी के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ और अपने पूर्व अध्यक्ष को भी सम्मान करता हूँ। आलोक रंजन वर्मा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के सवाल पर मीडिया कर्मियों से कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया था कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। आज कोर्ट से उन्हें राहत मिली है तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से माफी मांगनी चाहिए और उनका आभार ज्ञापित करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, देखिए प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। नंबर एक, हमारे देश में न्याय व्यवस्था चलती है, चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, जो देश के हित में काम कर रहा है उसको न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करना होगा।
हमने भगवान श्री राम का मंदिर भी बनवाया है तो न्यायालय के आदेश से बनवाया है। हम अगर ज्ञानवापी का भी मंदिर कभी बनवाने की स्थिति में होंगे तो न्यायालय के आदेश से ही होंगे। इसका शर्मनाक और दुखद प्रसंग है। माननीय राहुल गांधी जी को सजा एक न्यायालय ने दिया था और उन्होंने कहा कि यह सजा मुझे न्यायालय नहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया है। फिर गुजरात के उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को बरकरार रखा, उनकी सजा को स्टे नहीं किया। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि यह सजा मुझे हाईकोर्ट ने नहीं दी है बल्कि माननीय मोदी जी ने दी है। आज उनका स्टे हटा है तो अगर वो बड़े दिल के होते, समझदार होते और पारदर्शी होते तो अब तक उनका बयान आ जाना चाहिए था कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के सजा के बाद जो कुछ मैंने आरोप माननीय मोदी जी के ऊपर लगाए हैं मुझे उसकी शर्म आती है, हम उसकी क्षमा मांगते हैं और पूरे देश के नागरिकों से कहते हैं कि आज उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम उसके लिए माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह के आभारी हैं। यह बयान उनकी ओर से आना। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल महिला मंडल द्वारा श्रावणी मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान मेला संयोजक सुधा मोदी, रीता अग्रवाल और मीनू अग्रवाल द्वारा पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेले में लगाए गए स्टालों का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल महिला मंडल सामाजिक कार्य में अग्रणी रहती हैं। कई वर्षों से संस्था द्वारा जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इस अवसर पर शशि अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, प्राची जैन, अंशु अग्रवाल और अर्चना अग्रवाल सहित सैकड़ों अग्रवाल महिला मंडल से जुड़े लोग मौजूद रहे। सोचो को नाम लाइए ना बहुत
सेल्फी लेने एक जला एक जला एक जला और नीचे मत रहिए प्लीज के स्वागत करें। विजय भैया से अनुरोध है कि और हर बार हमारे अगला प्रांगण है अग्रवाल महिला मंडल। क्या हाल है भाभी? इधर देखिएगा कुंडा ये दोनों ट्वीन है क्या? नहीं मेरे भाई का है। कहाँ से आई? राजघाट से। तुम्हारी बिटिया है क्या? लेकिन सामाजिक पहचान ये है कि शहर में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें श्रद्धेय पुरुषोत्तम जैन जी का हर प्रकार का सहयोग न होता हो और उनकी सक्रियता न होती हो। हमारे बगल में खड़ी गोरखपुर की पूर्व मेयर जिन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े स्वाभिमान के साथ बड़ी मेहनत के साथ गोरखपुर के विकास में अपना रचनात्मक योगदान किया है श्रीमती अंजू चौधरी जी। पीछे खड़ी सारी बहनों के नाम मैं जानता हूँ, आपको पता है, इसलिए मुझे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके पति हो सकते हैं लेकिन भ्रम मत रखिएगा, इनकी राजनीतिक चाबी मेरे पास रहती है, आप लोगों के पास नहीं रहती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, मैं भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ लेकिन इसी गोरखपुर का निवासी हूँ। 20 साल तक मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अपनी अग्रवाल समाज की बहनों की जो सामाजिक सक्रियता है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के लिए उनकी जो मुखरता है, समाज कल्याण का उनके अंदर जो भाव है और समाज के विभिन्न वर्गों में जहाँ कहीं भी पीड़ा है उस पीड़ा का एहसास करके अपनी उपस्थिति दिखाना और जो कुछ व्यवहारिक रूप से संभव है उसको करने का प्रयास करना, अग्रवाल महिला मंडल और हमारी जो अन्य अग्रवाल महिलाओं की संस्थाएं हैं, सामाजिक दृष्टि से गोरखपुर और पूर्वांचल के नागरिकों के लिए और विशेष रूप से हमारी बहनों के लिए ये एक प्रेरक प्रसंग है। और इनकी सक्रियता से जो वर्ष पर्यंत ये लोग सक्रियता करते हैं, सिर्फ अग्रवाल महिला मंडल के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, कहीं कमज़ोर विद्यालय हैं उन विद्यालयों को गोद में लेना, कुछ लोगों का गरीब है उनका ऑपरेशन न हो तो उनको आर्थिक मदद करना, समाज में कहीं भी कुष्ठ रोगी हैं, कहीं समाज से प्रताड़ित और पिछड़े हैं उनकी मदद के लिए पहुँचना, बच्चे गरीब शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, ढेर सारी प्रकल्प इनके चलते हैं और जिस समर्पण और निष्ठा के भाव से ये लोग सेवा करती हैं हम सबको गर्व की अनुभूति होती है कि हम लोग इस गोरखपुर शहर के 20 साल तक रहे।